इस फिल्म में रैप करेंगे अक्षय कुमार। साथ ही उन्होंने बताया कि क्यों नहीं करते हैं हॉलीवुड फिल्मों में काम। सिंह इज किंग, स्पेशल 26 और एंटरटेनमेंट जैसी फिल्मों में गाना गा चुके एक्टर अक्षय कुमार अब उनकी अपकमिंग फिल्म हाउसफुल 4 के गाने में रैप करते हुए नजर आएंगे। एक रिपोर्ट की माने तो अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म हाउसफुल 4 के टाइटल ट्रैक में रैप सॉन्ग गाते हुए नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि डायरेक्टर फरहाद समजी, जो एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर्स में से एक है, उन्होंने अक्षय को इस कॉमेडी फिल्म का टाइटल ट्रैक गाने के लिए राजी कर लिया था। हाउसफुल 4 में गाने के लिए भी फरहाद ने ही अक्षय को राजी किया है। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला को भी ये आइडिया काफी पसंद आया है और इसके बाद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने इस आइडिया पर काम करने की एक्सेप्टेंस भी दे दी है। रिपोर्ट्स की माने तो तनिष्क बागची की कंपोजिशन में बना ये गाना रिकॉर्ड होना बाकी है। मेकर्स को भी ये तय करना बाकी है कि एक सोलो ट्रैक होगा या फिर डुएट ट्रैक होगा जिसमें अक्षय और मीका सिंह साथ में रैप करते हुए नजर आएंगे। बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की तो फिल्म में अक्षय के अलावा रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृतिक हरबंदा, पूजा हेगड़े और कृति सनन जैसे काफी बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। वहीं अक्षय से जब पूछा गया कि 30 साल से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक कोई हॉलीवुड फिल्म साइन नहीं की है, इसके बारे में क्या कहेंगे, तो अक्षय ने कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे कभी हॉलीवुड फिल्मों से ऑफर नहीं आए हैं, लेकिन जो भी मिला वो उतना बड़ा नहीं था या यूं कहूं कि इतना ग्रेट आइडिया नहीं था। मैं बॉलीवुड फिल्में ही करके खुश हूं।